देखिए कांवड़ियों की भीड़ इस ट्रेन से उतरी है। देखिए भैया 5 मिनट से गाड़ी लगी हुई थी, एक भी पैसेंजर नहीं चल रहा था। जब गाड़ी खोली ना तो देखिए दोबारा स्टेशन मास्टर साहब गाड़ी को रुकवाए हैं। लीजिए भाई साहब, ट्रेन पहुंच गई बांका जंक्शन। देखिए माता हम सब कांवड़िया मतलब कांवड़ लिए हुए हैं। तो देखिए ट्रेन हर जगह पे रुकते हुए पहुंच गई बाराहाट जंक्शन। देवघर पहुंचे ना, देखिए उतरने से पहले चढ़ने वालों की भीड़, क्योंकि ये गाड़ी लगभग आधे घंटे में खुल जाएगी ना फिर वापस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखिए अभी हम हैं फिलहाल सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर, और हमारे पीछे देखिए कांवड़ियों की भीड़, क्योंकि अभी चल रहा है सावन का पावन महीना, और इस सावन के पावन महीने में हम चल रहे हैं देवघर। और आज आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ मतलब एक सहरसा से एक ट्रेन दी है गई है देवघर के लिए। ऐसे तो बहुत सारी ट्रेन है लेकिन सहरसा से एक ट्रेन दी गई है देवघर के लिए, जो कि अपने आप में एक इतना खूबसूरत लगता है देखने में। तो सोचे चलिए आप लोग को एक ब्लॉग दे देते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को बता दें, ये ट्रेन सहरसा से सुबह 4:30 बजे खुलती है और देवघर लगभग 12:30 बजे पहुँचा देती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और इस टाइम का इस गाड़ी का टाइम यहाँ पे 7:30 बजे है। तो चलिए आज ये ट्रेन आधा घंटा लेट आई है, तो चलिए आ रही है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के साथ और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और जितने कवर आ रहे हैं इस ब्लॉग को देखिए, और देखिए कितना जबरदस्त ट्रेन है ये, बहुत जबरदस्त। अपने आप में ये खासियत इतना है ना कि जैसे लग रहा हो कि मेट्रो ट्रेन हो। चलिए इसकी स्पेशलिस्ट क्या है, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी दिया गया है, चलिए सब ब्लॉग के साथ बने रहिए, चलिए मिलते हैं। देखिए अभी हम हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर और अभी एक गाड़ी आ रही है गोरखपुर से देवघर, तो इसके बाद हमारी ट्रेन आएगी। और देखिए यहाँ पे कांवड़ियों की भीड़, देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है बहुत। देखिए माता हम सब कांवड़िया मतलब कांवर लिए हुए हैं, लेकिन देखिए देखिए कुछ बोला जा, सुनिए कुछ दीजिए, सुनिए गाड़ी के बाद खाली हो जाती है, पहले ट्रेन से सवारियों को उतरने देंगे फिर आप लोग चढ़िएगा। देखिए बताया गया कि पहले ट्रेन से सवारी को उतरने देंगे फिर गाड़ी मतलब जो चढ़ेंगे वो चढ़ने वाले चढ़ेंगे। चलिए देवघर गोरखपुर वाली गाड़ी आ चुकी है, तो आप लोग को दिखाते हैं गाड़ी का भीड़। देखिए कांवड़िया लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी घुस रही है और अपोजिट साइड में उल्टा साइड चले गए और गाड़ी देखिए घुस गई, देखिए गाड़ी घुस गई है। ये है गोरखपुर देवघर, देखिए ये आ गई गोरखपुर देवघर। इसके पीछे हमारी आएगी सहरसा, देखिए कांवड़ियों की भीड़ इस ट्रेन से उतरी है और लगता है हमारी ट्रेन खाली जाएगी, क्योंकि यहीं पे सारा पैसेंजर इसी में चढ़ जाएगा, तो लगता है हमारी ट्रेन खाली जाएगी। तो चलिए भैया ये गाड़ी निकल गई, इसके बाद आएगी हमारी सहरसा देवघर, तो उसी का हमें इंतजार है। देखिए तो देखिए हमारी गाड़ी आ गई है सहरसा देवघर, लेकिन आप लोग को बता दे जो गाड़ी चलाई गई थी जो मेट्रो डिजाइन का था वो आज नहीं आई है, जो मेट्रो डिजाइन का था वो आज नहीं आई है, आज दूसरा रैक लेके आई है ये गाड़ी। चलिए जब आए हैं तो इस गाड़ी का तो आप लोग को ब्लॉक देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज दूसरा रैक लेके आई है ये गाड़ी, नहीं तो ये इस गाड़ी का रैक दूसरा था, बिल्कुल मेट्रो डिजाइन का था ये गाड़ी का रैक। चलिए चलते हैं, बैठते हैं, फिर करते हैं इस सफर का शुरुआत। आप लोग को बताना चाहते हैं जिस गाड़ी का रैक दिया गया था सहरसा देवघर का वो आज लेके नहीं आई है ये गाड़ी, बिल्कुल मेट्रो डिजाइन का था, नया डिजाइन का था बिल्कुल गाड़ी, लेकिन आज लाई है दूसरा ट्रैक। तो चलिए चलते हैं देवघर और सफर की शुरुआत करते हैं। और ये गाड़ी देखिए भैया 5 मिनट से गाड़ी लगी हुई थी, एक भी पैसेंजर नहीं चल रहा था। जब गाड़ी खोली ना तो देखिए दोबारा स्टेशन मास्टर साहब गाड़ी को रुकवाए हैं। देखिए गाड़ी आधा निकल चुकी है मतलब सुल्तानगंज स्टेशन से, लेकिन जबरदस्ती दौड़ रही थी तो जबरदस्ती मतलब देखिए वहाँ पे गार्ड साहब जो स्टेशन मास्टर साहब हैं वो गाड़ी को रुकवाए हैं। चलिए और ये गाड़ी दे दी है धोखा, जो गाड़ी चलना था सहरसा से वो गाड़ी आज नहीं आई है। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कि जो सहरसा से देवघर के लिए गाड़ी खुली है इसका स्टॉपेज कितना है और कैसा रहता है ये जर्नी। चलिए निकल रही हमारी गाड़ी सुल्तानगंज से, तो सुल्तानगंज कहते हैं बाय बाय। और भीड़ आज दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कितना कांवड़िया उतरा है, देखिए सभी जा रहे हैं घाट की ओर। तो चलिए भैया आप लोग से मिलते हैं सीधा भागलपुर।
जो भी देख रहा है वो सब अचंभित हो रहा है कि आखिर ये गाड़ी आई है कौन सी, क्योंकि सहरसा वाली बिल्कुल नई एकदम बिल्कुल चकाचक आती थी। और आज हम सोचे ब्लॉगिंग करेंगे इस गाड़ी का, तो आज गाड़ी ही ट्रैक ही चेंज कर दिया, इस गाड़ी का रैक ही चेंज कर दिया। चलिए जब जाना है देवघर तो फिर इस गाड़ी का भी ब्लॉग आप लोग को दे ही देते हैं। तो चलिए सुल्तानों कहते हैं बाय बाय। देखिए इस ट्रेन को रुकना था सीधा भागलपुर, लेकिन आगे जो गोरखपुर गई है ना, इस कारण से इसे अकबरनगर स्टॉप दिया गया, क्योंकि आगे लाइन क्लियर नहीं होने के कारण इसे रोका गया यहाँ पर। चलिए हमारी ट्रेन निकल गई है अकबरनगर से, और आज खासियत बताएं ये ट्रेन का, लोग कांवड़िया चल नहीं रहा इसलिए इसी रैक को भेज दो। तो ये है रेलवे। तो चलिए हमारी ट्रेन पहुँच गई है भागलपुर, और भागलपुर के जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जा रही है भागलपुर के इस सहरसा देवघर स्पेशल पैसेंजर का। देखिए 6 नंबर पे ले लिया गया है इसको, और यही 6 नंबर प्लेटफॉर्म का आप लोगों को दिखाते हैं व्यू। देखिए ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, और इससे जितने पैसेंजर लगभग आए हुए थे, कांवड़िया बहुत कम, ज़्यादातर पैसेंजर ही थे, सभी उतर गए। और अभी आप लोग को गाड़ी का दिखाते हैं फैसिलिटी क्या क्या दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। देखिए गाड़ी के अंदर पंखा दिया गया जो कि बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और सामने डिस्प्ले पे दिया जा रहा है, मतलब वो मुंबई लोकल में आप लोग देखते होंगे ना जो दिखाता है कि अगला स्टेशन आने वाला, इस पर ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा, बट ये दिया गया सिर्फ डिस्प्ले पर। और बाकी सीटी अरेंजमेंट 3x2। देखिए 3 साइड इधर बैठने का है, 2 इधर बैठने का, तो देखिए 2 सीट इधर बैठने का, 3 सीट इधर बैठने का है। बाकी चार्जिंग स्लॉट सभी वर्क कर रहा है, हम चेक कर चुके हैं। बाकी देखिए इधर लगेज स्टैंड भी दिया गया है। तो चलिए यह है ऐसा कुछ कोच का पोजीशन का हाल। और देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ में पानी का सुविधा दिखाते हैं है या नहीं है, क्योंकि ट्रेन सहरसा से आ रही है। चलिए पहले पानी का दिखा देते हैं, सहरसा से ट्रेन चली है, पानी का सुविधा है या नहीं है ये दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पानी आ रहा है लेकिन बूंद बूंद। सहरसा से चली है 4:30 बजे, और अभी बज रहा है 9, तो 5 घंटा के अंदर में पानी खत्म भी हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि पानी की सुविधा नहीं है, पानी अगर यहाँ पे गिर रहा है तो समझिए इसमें पानी भरा गया था। देखिए बहुत को दिखाना चाहता है, इस ट्रेन में पैसेंजर ना बहुत गिने चुने रह गए, अभी गाड़ी कुछ भरी हुई थी लेकिन गिने चुने। देखिए इधर माता बम सब जा रही है देवघर बाबा का जल चढ़ाने के लिए, इधर कुछ बम लोग भी हैं। तो चलिए यहाँ से गाड़ी निकलती है, और गाड़ी बिल्कुल खाली है। देखिए अगर वो वाला गाड़ी भेजता ना जो मेट्रो रैक का था, मेट्रो वाला रैक का, बहुत ही ज़बरदस्त लगता था देखने में, और बहुत ही अच्छा सुविधा था उसमें, लेकिन आज इस गाड़ी को भेजा है। चलिए देखिए ये आई है बांका लोकल, बांका भागलपुर लोकल। देखिए जो ट्रेन भागलपुर 9:30 बजे लगी थी वो देखिए अभी भागलपुर से डिपार्टेड 11:26 पे हो रही है। देखिए 9:30 बजे गाड़ी आके लगी और 11:26 पे हुई, और ये अभी डिपार्टेड हो रही है। क्यों रोकी गई थी? क्योंकि जिस रास्ते में जाएगी उधर सिंगल ट्रैक है, तो उधर से बांका इंटरसिटी आ रही थी और कुछ गाड़ियाँ आ रही थी, इस कारण से इसे रोका गया था। बाकी सब फिर से गाड़ी निकल गई है अपने रास्ते से पर। तो फिलहाल 2 घंटे के बाद ये गाड़ी खुली है, तो देखते हैं कितने बजे तक ये देवघर पहुंचाती है। चलिए आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए। 2 घंटा बिल्कुल झला दिया ये गाड़ी, बिल्कुल 2 घंटे तक बैठे बैठे हालत का बैंड बज गया। तो चलिए खुली तो कम से कम खुल गई है तो देवघर पहुंचा ही देगी। तो चलिए देखते हैं कितने बजे तक पहुँचती है। यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये देखना है कितने बजे तक पहुँचाती है ये। और उधर लगी हुई है दानापुर साहेबगंज इंटरसिटी। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट स्टॉपेज। और आप लोग को बता दें कि ये सहरसा देवघर वाली ट्रेन का मांग यात्रियों ने 365 दिन किया है, तो अब देखना है ये कि रेलवे यात्रियों की मांग को पूरा करते ही नहीं, क्योंकि यही एक ऐसा ट्रेन होगा जो मिथिलांचल से जोड़ेगा इस बाबा नगरी को, जिसे कि आप लोग को पता है कि सारे मतलब जितने भी कांवड़िया लोग यात्री लोग आते हैं ज़्यादातर मिथिलांचल के ही आते हैं, समस्तीपुर दरभंगा सहरसा कटिहार इधर से ही आते हैं, तो इसीलिए इस ट्रेन का मांग किया गया है 365 दिन। तो चलिए अभी फिलहाल सावन में टाइम है, तो ख़त्म होने के बाद ये ट्रेन चलती है कि नहीं चलती है वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट दे देंगे। तो देखिए ट्रेन हर जगह पर रुकते हुए पहुंच गई बाराहाट जंक्शन, और इतना जितना पीछे है ना रजौन पुंसिया धौनी हर जगह रुकते आ रही है ये ट्रेन, और अभी पहुंची है ये बाराहाट।
देखिए ये है गोड़ियारी नदी। अरे कभी कभी ऐसा समय रहता है ना कि इसमें भूचाल आया रहता है इस नदी में, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण देखिए पूरा नदी सूखा हुआ, बिल्कुल सूखा हुआ। और देखिए खाली बालू बालू ही नजर आ रहा है। देखिए देखिए देख लिए ना, देखिए बारिश नहीं होने के कारण पूरा नदी सूखा हुआ है। तो इस नदी में भूचाल आया हुआ रहता है, भूचाल। लीजिए भाई साहब, ट्रेन पहुंच गई बांका जंक्शन, और यहां से लगभग अब देवघर की दूरी 1 घंटा मान के चलिए, 1 से सवा घंटा। तो चलिए बांका पहुंच गई है, और यहां के बाद जो अब खुलेगी तो अब सीधा रुकेगी देवघर। देखिए ट्रेन कितना कर्व हो गई है, और आने वाली है कटोरिया, जहाँ पे स्टॉपेज तो है नहीं, लेकिन हो सकता है लग सकती है ये। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी रह गई है। देखिए जैसा कि आप लोगों को बताए थे कटोरिया रुक सकती है, और देखिए कटोरिया स्टेशन रुक गई ये गाड़ी। देखिए रुक ही गई आखिरकार। फाइनली गाड़ी देवघर इन कर रही है, और वो जो आप लोग को पटरी दिख रहा है वो बासुकीनाथ दुमका के लिए वो लाइन यहाँ से गई हुई है। तो अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में है स्टेशन, लेकिन ये जो आप लोग को लाइन दिख रहा है, ये जो साइड सामने दिख रहा है, ये दुमका और बासुकीनाथ के लिए गई है गाड़ी। मतलब ये निकल गई है आपका हसडिया होते हुए। तो चलिए देवघर हम लोग पहुँच गए, और उतर के आप लोग को व्यू दिखाते हैं स्टेशन का, फिर करेंगे ब्लॉग को एंड। देवघर पहुंचे ना, देखिए उतरने से पहले चढ़ने वालों की भीड़, क्योंकि ये गाड़ी लगभग आधे घंटे में खुल जाएगी ना फिर वापस। देखिए ऐसा कुछ व्यू है देवघर स्टेशन का, खचाखच बड़ा हुआ है भीड़। चलिए चलते हैं बाहर। उतरने से पहले चढ़ने वालों की भीड़ लग गई थी इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। देखिए सामने बहुत जबरदस्त भीड़। चलिए चलते हैं बाहर। कहते हैं अगर आप लोगों को अगर निकलना हो यहाँ से बाबा धाम के लिए, तो देखिए यहाँ पे टोटो लगी रहती है बहुत सारी, तो बाबा मंदिर तक आप लोग को यहाँ पे पहुँचा देंगे ये गाड़ी वाले भैया सब। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉक को अब एंड। तो फाइनली पहुंच गए देवघर। तो देखिए ये है आपके हमारे पीछे देवघर रेलवे स्टेशन। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉक, और मिला जुला के ये जर्नी ठीक ठाक रहा? लेकिन एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये जो सहरसा देवघर थी एक्सप्रेस जो स्पेशल चली थी, ये वो स्पेशल नहीं थी जो आती थी, ये दूसरा रैक लेके आया था। लेकिन चलिए आप लोग को ब्लॉक देना था, दे दिए। तो चलिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कहें बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, और हो सके फ्रेंड्स बस इस भाई के लिए 1 लाइक 1 कमेंट 1 शेयर और 1 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, उसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, और हाँ हर हर महादेव।